चादर अभियान के तहत शिवनाथ तट की सफाई को लेकर नदी किनारे रह रहे लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें 37 सीजी बटालियन एनसीसी के स्टाफ के साथ सेठ आरसीएस महाविद्यालय के एनसीसी कैडेटों ने हिस्सा लिया। 37 छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी दुर्ग के कमान अधिकारी कर्नल हेमंत दुबे के निर्देशन व एडम लेफ्टिनेंट कर्नल आर सेतु माधवन के कुशल मार्गदर्शन में पुनीत सागर योजना के तहत 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 5 दिनों का दुर्ग जिले के जीवनदायिनी शिवनाथ नदी के तट पर नदी के जल को स्वच्छ रखने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शिवनाथ नदी तट की सफाई के साथ साथ नदी किनारे लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूक भी किया गया। इसी कड़ी में 37 छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी के स्टाफ के साथ सेठ आरसीएस महाविद्यालय के एनसीसी कैडेटों ने शिवनाथ नदी पहुंच अपना जागरूकता अभियान चलाया और लोगों के बीच पहुंच उन्हें जागरूक किया। आज के इस अभियान में आरसीएस कॉलेज के लेफ्टिनेंट नीलेश तिवारी के मार्गदर्शन में कैडेट्स ने लोगों को जागरूक कर नदी के घाट पर स्नान करने वाले व मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को प्लास्टिक कचरा नदी में न डालने और इस कार्य के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही साथ ग्राम महमरा के ग्रामवासियों को भी स्वच्छ नदी स्वच्छ जल की जानकारी दी और ग्राम महमरा के प्राथमिक व माध्यमिक पाठशाला तथा आंगनबाड़ी स्टाफ व छात्र छात्राओं को भी इस पुनीत सागर योजना की जानकारी प्रदान करते हुए शिवनाथ नदी को स्वच्छ रखने व प्लास्टिक मुक्त नदी हेतु जागरूक किया और इस अभियान से स्वयं को जोड़ते हुए और लोगों को भी प्रेरित करने के लिए एनसीसी अधिकारी द्वारा शपथ दिलाई गई। इस अभियान को लेकर कैडेट्स ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। जय हिंद, मैं कैडेट गौरव कुमार राय, कल्याण पीजी कॉलेज, 37 सीजी बटालियन एनसीसी दुर्ग। हाल ही में समुद्र तटों को कचड़ों से मुक्त करने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है, जिसका नाम है पुनीत सागर अभियान। तो आइए हम जानते हैं कि इस अभियान के तहत हम एनसीसी कैडेट क्या कर रहे हैं। तो आइए हम आज आपको बताते हैं कि इस अभियान के तहत हम एनसीसी कैडेट, जो कि लगभग 30,000 कैडेट ने समुद्र तटों की सफाई का एक प्रण लिया है। समुद्र में पहुंचने वाले कचड़ों में सबसे बड़ा योगदान वहां की सहायक नदियों का है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे कमान अधिकारी कर्नल हेमंत दुबे जी और एडम अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल आर सेतु माधवन जी ने 1 से 5 अप्रैल तक शिवनाथ नदी को स्वच्छ रखने का अभियान शुरू किया है और जागरूकता फैलाने का भी अभियान शुरू किया है, जिसके तहत हम एनसीसी के छात्र अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, जिसमें हम एनसीसी के छात्र शिवनाथ नदी की साफ सफाई के साथ साथ ही वहां के आसपास के लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। जय हिंद, मैं कैडेट प्रीतम कुमार वर्मा, कल्याण पीजी कॉलेज, 37 एनसीसी बटालियन दुर्ग। हाल ही में समुद्र तटों को साफ करने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की गई है, इसका नाम पुनीत सागर अभियान है। इस अभियान में एनसीसी कैडेटों की भूमिका प्रदर्शित करने के लिए हमारे बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल हेमंत दुबे जी ने 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक हमारे जिले के शिवनाथ नदी के तट को साफ करने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की है। इस अभियान के अंतर्गत हम एनसीसी कैडेट नदी के किनारे को साफ करने के साथ साथ नदी के किनारे रहने वाले लोगों को भी इस बारे में जागरूक किया है। सभी को मेरा नाम कैडेट मृणाल मालिम्बे, मैं एनसीसी से हूँ। हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं पुनीत सागर अभियान के तहत शिवनाथ नदी की सफाई हेतु। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी नदी शिवनाथ नदी सबसे बड़ी है छत्तीसगढ़ में, वो दिन ब दिन प्रदूषित होने जा रही है, जो कि हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, जिसके लिए हम कुछ समाधान के साथ आए हैं आगे। सबसे पहला कि हम कचरे को अलग अलग करें, जैसे कि गीला कचरा और सूखा कचरा। हम सूखे कचरे को नदी में ना फेंकें, जिससे कि नदी का जीवन भी प्रदूषित होगा और हमारा घर में आने वाला पानी भी प्रदूषित होगा, जिससे कि हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ी की बहुत नुकसान होगा। तीसरा, हम अपने किसानों को बोल सकते हैं कि खाद को अच्छे से उपयोग करें, जिससे कि जो पानी हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं वो नदी में ना जाए और जिससे नदी प्रदूषित ना हो। तीसरा, हम चिप्स के पैकेट, प्लास्टिक वगैरह को नदी में ना फेंके, जिससे कि नदी का जीवन भी प्रदूषित हो सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।